रांची और पटना के लोगों को 10 मई से मिलने वाला है एक बड़ा सौगात, और ये सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दी जा रही है। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। रांची और पटना के लोग जो काफी समय से वंदे भारत एक्सप्रेस को लेकर इंतजार कर रहे थे, उनका इंतजार जो है वो अब जल्द ही खत्म होने जा रहा है। सूत्रों के हवाले से ये खबर आई है कि 10 मई से रांची से पटना जो है वो वंदे एक्सप्रेस के जो परिचालन है वो शुरू हो जाएगी। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाकर करने वाले हैं। साथ ही साथ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि वंदे भारत एक्सप्रेस में जो किराया होगा टिकट का वो कितना होगा। रांची से पटना के बीच जल्द ही वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन दौड़े। रेलवे सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आगामी 10 मई को झारखंड की राजधानी रांची से पटना के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत की जा सकती है। खबरों की माने तो इसके लिए रांची और पटना दोनों जगह तैयारी जोर शोर से चल रही है। कहा जा रहा है कि आगामी 10 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड और बिहार वालों को ये सौगात दे सकते हैं। ऐसे में इस ट्रेन के किराए के बारे में अभी जानकारी मिल रही है। आपको बताते चलें कि पूरी तरह से ये ट्रेन जो है वो एयर कंडीशन होगी, साथ ही इसमें कुल 18 बोगी होने की बात कही जा रही है। वहीं इस ट्रेन की स्पीड की बात करें तो 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली बताई जा रही है। खबरें ऐसी हैं कि इसके परिचालन के लिए रेलवे ट्रैक को भी दुरुस्त कराया जा रहा है और अब अंतिम चरण में है। वहीं कुछ ट्रेन अभी ऐसी है जिसकी औसतन रफ्तार 120 से 130 किलोमीटर प्रति घंटे रहती है। रांची से पटना या पटना से रांची का वंदे भारत एक्सप्रेस का किराया कितना होगा, इससे जुड़ी जानकारी पहली बार निकलकर सामने आ रही है। सूत्रों की माने तो झारखंड और बिहार के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का किराया जन शताब्दी एक्सप्रेस के एसी चेयर कार के किराए से अधिक हो सकता है। खबरों के अनुसार किराए को लेकर दक्षिण पूर्व रेलवे के CPRO आदित्य कुमार चौधरी ने बातचीत के दौरान ये जानकारी साझा की है। चेयर कार में रांची से पटना के बीच का किराया 650 रुपये है। वैसे में अनुमान लगाया जा सकता है कि वंदे भारत ट्रेन की तेज रफ्तार का आनंद उठाने के लिए करीब 1000 रुपये खर्च करने पड़ सकते हैं। हालांकि उम्मीद यही जताई जा रही है कि रांची पटना वंदे भारत ट्रेन के किराए को लेकर बहुत जल्द आधिकारिक घोषणा की जाएगी। जानकारी ये भी है कि ट्रेन को चलाने की जिम्मेदारी भी दक्षिण पूर्वी रेलवे को ही दे दी गई है। इसके लिए लोको पायलट और चालक दल की ट्रेनिंग लगभग पूरी की जा चुकी है। बस इंतजार है झारखंड और बिहार को मिलने वाले पहले वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का, ताकि दोनों राज्य के लोगों को जो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं इसका आनंद उठा सके। तो रांची और पटना के लोग इतने दिनों से वंदे भारत एक्सप्रेस का इंतज़ार कर रहे हैं, अब उनकी जो इंतज़ार है वो जल्द ही खत्म होने जा रही है। सूत्रों के हवाले से एक खबर आ रही है कि 10 मई से वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो शुरू हो जाएगी, इसकी परिचालन जो है वो शुरू कर दी जाएगी। इसकी शुरुआत जो है शायद सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो हरी झंडी दिखाकर करने वाले। साथ ही साथ आपको बताते चलें कि वंदे भारत किराए को लेकर अभी आधिकारिक तौर पर कोई घोषणा नहीं की गई है, लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जन शताब्दी एक्सप्रेस जो रांची से पटना चेयर कार का जो किराया है उससे ज्यादा किराया वंदे भारत एक्सप्रेस की हो सकती है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अनेक अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।